सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज़ और आज मैं बात करने वाला हूँ बैटमैन वर्सेस रॉबिन फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, बैटमैन वर्सेस रॉबिन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एनिमेटेड फिल्म आई थी 7 अप्रैल 2015 को ये रिलीज हुई थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिली थी और बाद में इसकी जो कॉपीज है, जो डीवीडीज है, वो रिलीज कर दी गई थी। ये सीक्वल है सन ऑफ बैटमैन मूवी का, जी हाँ दोस्तों, और ये पूरी पूरी फिल्म बेस्ड है बैटमैन नाइट ऑफ आउल के बारे में, यानी उसी कॉमिक्स पे पूरी पूरी ये सीरीज बेस्ड है, जो कि पूरी पूरी होल एंड सोल मूवी है। तो आज हम इसकी कहानी डिस्कस करेंगे, मैं पूरी पूरी मूवी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिरकार बैटमैन वर्सेस रॉबिन क्यों लगा है इस फिल्म में, वो भी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, आपको पूरी पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, उस पे जाके आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, तो आपको मूवीज और बहुत सारे कंटेंट्स वहां पे मिल सकते हैं। तो चलिए आइए मिलके करते हैं पहले इसका रिव्यू। तो इसके पहले मैं बात करना चाहूंगा डीसी मूवी एनिमेटेड यूनिवर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा पूरा होल एंड सोल मैंने क्लियर कर दिया है कि टाइमलाइन क्या है, कौन कौन सी मूवीज बिलोंग करती है, और बहुत सारी मूवीज के मैंने अब तक रिव्यू भी कर चुका हूँ, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने चैनल पे, जो कि हाल ही में मैंने क्रिएट की है, उसकी लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी, तो जाके उसमें भी बहुत सारे कंटेंट्स है, उस कंटेंट का भी आप मजा उठाओ। तो चलिए आइए देखते हैं बैटमैन वर्सेस रॉबिन की कहानी, तो लेट्स बिगिन। लापता बच्चों के जांच के दौरान जो डेमियन है वो बैटमोबाइल बिना बैटमैन को बताए, बिना ब्रूस को बताए लेके आ गया है और वहां पे खिलौनों की फैक्ट्री में घुसता है। घुसने के बाद एंटन शॉट से उसका सामना होता है, जो कि एक्चुअल में एक डॉल की तरह दिखने वाला बंदा होता है, जिसने डॉल का मास्क पहना हुआ है और वहां पे बहुत सारे बच्चों को उसने किडनैप भी करके रखा है। तभी उसके ऊपर वो जो छोटे छोटे बच्चे है जिनके ऊपर वो डॉल का मास्क बनाया लगाया है, जिनको एक्चुअल में डॉल ही बना चुके हैं वो एंटन शॉट, तो वो उनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करने लगते हैं तभी वहां पे आ जाता है बैटमैन और बैटमैन उन बच्चों से लड़ने लगता है। तभी इधर हम देखते हैं कि एंटन शॉट जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे रॉबिन भी भाग जाता है। फिर भी बैटमैन बोलता है मत भागो, तुम मेरी यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, बच्चों को छोड़ो, ये सारी चीजें करो, बट वहां पे रॉबिन सुनता नहीं है, वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एंटन शॉट के पीछे जलते ही रहता है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इधर देखते हैं हम जो डॉल वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैटमैन को मार रहे हैं, कुछ बच्चे कैद है इस एक एक पिंजरे में, तो ऐसे हम देखते हैं। उसके बाद बैटमैन उन बच्चों से कैसे तो लड़ झगड़ के अपने को छुटकारा दिला देता है और उनको पॉइजनस गैस से बेहोश कर देता है और बाकी बच्चे जितने भी केज में है उनको छुड़ा देता है। और इधर हम देखते हैं कि एंटन शॉट के सामने रॉबिन खड़ा है, दोनों में झड़प हो रही है, पर वहां पे रॉबिन उसके ऊपर हावी हो जाता है पूरी की तरह, और तभी उसको सामने चाकू लेके खड़ा हुआ है और उसको बेहोश कर देता है, उसको मारता नहीं है। तभी पीछे से एक उल्लू यानी ऑल का पोशाक पहना हुआ एक आदमी आता है और वो उसे मार के यानी एंटन शॉट को मार के चला जाता है। तो वो बंदा कौन होता है? वो होता है टैलॉन। जी हाँ दोस्तों, वो आता है और भाग के वहां से चला जाता है। तभी बैटमैन वहां पे आ जाता है और उसको लगता है कि ये सब रॉबिन ने ही किया है, पर वो देखता है कि एंटन शॉट के नकाब के नीचे एक पंख मिलता है उसे। बाद में वेन मैनर में ब्रूस रॉबिन से जुड़ने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल रॉबिन छुप के भागने की कोशिश करता है। तभी ब्रूस आके रॉबिन को नाइटविंग के पास छोड़कर बैटमैन निकल पड़ता है उस ऑल को ढूंढने के लिए, जो उसे ले जाता है उल्लू यानी के ऑल म्यूजियम में, और वहां जाके वो अपनी बचपन की कहानियों में याद करने लगता है, उसी में खो जाता है। और कुछ ही देर बाद वहां बैटमैन पर तीन लोग जो ओल की ड्रेस पहने हुए हैं वो हमला कर देते हैं, जहाँ वो बैटमैन को मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, उसको गंभीर रूप से घायल भी करते हैं, और तभी बैटमैन भी उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। हमला करने के बाद कुछ ही देर बाद बैटमैन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसी बीच नाइटविंग को चकमा देके रॉबिन वहाँ से भाग जाता है और वो जाता है टैलॉन से मिलने, जहाँ टैलॉन रॉबिन को अपराधियों को मारने का विकल्प देता है और अपने साथ जुड़ने के लिए भी कहता है। रॉबिन उसकी बात सुनकर घर लौट आता है, जहाँ ब्रूस उसे बोलता है अभी सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें स्विट्जरलैंड के स्कूल में भेज दिया जाएगा, जब तक तुम डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखते तब तक। अगले ही पल समानता के साथ डेट पर जाते समय ब्रूस को व्हाइट आउल मास्क वाले लोग किडनैप कर लेके जाते हैं और वो लेके जाते हैं आउल कोर्ट में, उसे पेश करते हैं, जहाँ उसे उन लोगों के साथ शामिल होने का मौका देते हैं
ब्रूस के जाने के बाद टैलन वहां आ जाता है और वो यह पता चलता है कि वो ऑल्स कोर्ट के लिए काम करता है जो सीक्रेटली इनह्यूमन की सेना उठा रहा है कि वह ऑल्स और गौतम सिटी को नष्ट करना चाहता है। डेमियन टैलन से संपर्क करने के बाद अपराधियों को बाहर निकालने के लिए उसके साथ जाता है। हालांकि वह टैलन को निराश करता है जब वह मारने की संकोच करता है, यह देखते हुए कि रॉबिन एक पिता के रूप में बैटमैन को देखता है जबकि वह इस बात से अनजान था कि वह वास्तव में उसका बेटा है। फिर टैलन ने उसे अपने पिता के बारे में बताया कि उसका पिता एक पेशेवर चोर था, उसने उसे इस चीज में शामिल होने को कहा तो उसने अपने पिता को खुश करने की कोशिश की पर उनके अपेक्षा के खरा नहीं उतर पाया तो उसने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस बात से उसे कोर्ट ऑफ ऑल में शामिल कर लिया गया। तभी वहां बैटमैन आता है और वो टैलन को अब पीछा करने लगता है और तभी वहां रॉबिन बैटमैन को रोकता है तो बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है तो रॉबिन ये मानने के बजाय बैटमैन को हमला कर देता है, बैटमैन को ही मारने लगता है और दोनों के बीच बैटमैन और रॉबिन के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और आखिर में चाकू से अपने पिता को मारने ही वाला होता है रॉबिन। फिर बैटमैन बोलता है तुम्हें यही करना था ना, तो मार डालो मुझे। और दूसरी तरफ सीवर के माध्यम से बैटमैन ऑलकोट पूछता है और वहाँ के लोग उसे साइकोट्रोमा गैस से हेलुसिनेट यानी भ्रमित मति भ्रमित कर देते हैं तो उसे वहाँ बचाने नाइटविंग और अल्फ्रेड आ जाते हैं। इसी बीच कोर्ट में टैलन रॉबिन को ग्रैंड मास्टर से मिलवाता है, तभी रॉबिन को अपनी असली पहचान दिखाने के लिए कहता है। तभी ग्रैंड मास्टर यानी कि सामांथा, जी हाँ दोस्तों, ये जो बैटमैन की गर्लफ्रेंड है सामांथा, यही ग्रैंड मास्टर बताई गई है, तो उसे पता चलता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और रॉबिन को मारने का आदेश दे देती है और टैलन रॉबिन में खुद को ही देखता है, अपने बचपन को ही देखने लगता है तो वहाँ पे वो बगावत कर देता है और कोर्ट ऑफ ऑल में कब्जा कर लेता है। इधर कोर्ट ऑफ ऑल कब्जे में कर लिया है ट्रेनॉन ने और तभी वो आदेश दे देता है कि वेन मैनर पे हमला करो, ब्रूस को मारो जाके। तो ऐसे बोलने के बाद सारे लोग जितने भी ऑल के मेंबर हैं कोर्ट ऑफ ऑल के वो भाग के ब्रूस वेन यानी वेन मैनर पे हमला करने को जाते हैं। तभी इधर वेन मैनर के अंदर बैटमैन, नाइटविंग और हमारा अल्फ्रेड ये तीनों रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं कि वो लोग आएंगे और वो लोग हमला करेंगे। तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है, यहाँ पे नाइटविंग और बैटमैन मिलके बहुत सारे लोगों को मारते हैं। फिर नाइटविंग वहाँ पे जख्मी हो जाता है और नाइटविंग को बचाने के लिए बैटमैन खुद लड़ भिड़ता है और नाइटविंग को हटा देता है यानी नाइटविंग को छुपा देता है। तभी इधर हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा जो ट्रेलॉन है वो भी आ चुका है, वो भी बैटमैन से लड़ भिड़ रहा है और तभी बैटमैन कैसे तो बचते बचाते अपने गुफा में यानी बैट क्यू में पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद एक आर्मर पहन लेता है जो कि अल्फ्रेड ने क्रिएट किया है, तो उसको पहनने के बाद वो रेडी हो जाता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है बहुत सारे हमारे जो ऑल के मेंबर है उनके साथ। हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के बाद वहां पे आ जाता है हमारा ट्रेलॉन और वो फाइनली बैटमैन को वहां पे हरा देता है और उसको चाकू भी मार देता है। जी हाँ दोस्तों, बैटमैन को यहाँ पे चाकू लग गया है, वो अधमराई हालत में वहां पे पड़ा हुआ है और तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे रॉबिन की। रॉबिन आता है और रॉबिन आने के बाद वो उस ट्रेलॉन को मारने की कोशिश करता है बट ट्रेलॉन यहाँ पे वो बोलता है कि भाई तुम बैटमैन को बचा मत, मैं तुझे ये मौका दे रहा हूँ कि जाके तू बैटमैन को मार दे। ऐसा जब बोलता है तो वो बैटमैन को मारता नहीं है, वो बोलता है वो मेरे पिता है, तो वो घूम फिर के टैरॉन से लड़ भिड़ता है और जैसे ही लड़ भिड़ता है तो टैरॉन खुद ही उसका हाथ का चाकू पकड़ के अपने गले में घोंप देता है और खुद ही मर जाता है। तो वहाँ पे बैटमैन को ऐसा ना लगे कि भाई रॉबिन ने ही मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है और रॉबिन को थैंक्स करता है बैटमैन। बैटमैन बोलता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए और दोनों में यानी उसके पिता और बेटे में सुलह हो जाती है। इस तरह से ये पूरा पूरा एंड होता है और इसके बाद रॉबिन को बोलते हैं कि भाई अपना घर है यहाँ पे रहे, तो रॉबिन बोलता है नहीं मुझे मेरी तलाश करनी है, मेरे जीवन की तलाश करनी है, तो वो हिमालय पर्वत पे निकल जाता है। यही होता है इस फिल्म का पूरा अंत। इसके बाद की जो फिल्म है वो है बैटमैन ब्लडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद की वो फिल्म है यानी थर्ड फिल्म बैटमैन की सीरीज की, उसके रिव्यू बाद में करेंगे। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको और कुछ जानकारी है इस सीरीज के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ,
लाइक और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यूट्यूब पे डीसी के मूवीज के हम लोग रिव्यू भी करते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो इस वजह से डीसी वाले फैंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज।